अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई एम सर मोहम्मद अदील जावेद योर साइंस टीचर सेकंड यूनिट सब्जेक्ट साइंस एंड क्लास वन डियर स्टूडेंट्स यू आर वाचिंग

animals and how they live dear student in today's video you are explained a new chapter lesson number वीडियो animals and how they live जानवर और जानवर जो हैं ये कैसे रहते हैं अपने माहौल में अपने एनवायरमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं इनकी क्या हैबिटेट होती हैं कहाँ रहते हैं कहाँ ठिकाना होता है क्या खाते हैं तो ये सारी चीजें जो है आज के इस इंटरेस्टिंग uh, चैप्टर में आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं। आज का जो आपका वर्किंग मटेरियल है असाइनमेंट का वो है आपका रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ये चैप्टर जो है आपका इसको आपने रीड करना है और इस वीडियो में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन जो है ये किया जा रहा है एनिमल्स फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द एनिमल्स सबसे पहले जो है आपको एनिमल्स के बारे में हम बताएंगे के एनिमल्स जो होते हैं जानवर क्या होते हैं एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स जानवर जो होते हैं जानदार होते हैं दे मूव ये हरकत करते हैं दे ब्रिथ ये जो है सांस लेते हैं दे ईट ये खाते हैं एंड ड्रिंक और पीते भी हैं यानी पानी भी पीते हैं तो जितने भी यानी जो है लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें जो तमाम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो सब जो है एनिमल्स में भी पाए जाते हैं वाई आर एनिमल्स इंपॉर्टेंट टू अस एनिमल्स या जानवर जो हैं ये हमारे लिए अहम क्यों होते हैं सम एनिमल्स आर सोर्स ऑफ फूड फॉर जानवर जो है हमारे लिए इसलिए अहम होते हैं कि कुछ जानवर जो है हमारे लिए गजा का जरिया होते हैं नॉट ऑल एनिमल्स ये सही है अपने रखिएगा तमाम जानवर नहीं कुछ जानवर जो है हमारी गजा का जरिया होते हैं एनिमल्स गिव अट जानवरों से हमें गोश्त हासिल होता है जानवर हमें गोश्त देते हैं मिल्क दूध एंड एग्स और अंडे वगैरह तो ये सब जो, जो है चीजें जो आप गोश्त खाते हैं दूध पीते हैं अंडे वगैरह जो आप खाते हैं ये सारी चीजें आपको एनिमल्स से हासिल होती हैं जैसे आप जो है मीट किसका खाते हैं आप जो है बेटा जो है मीट जो है काओ का खाते हैं इसके अलावा गोट होती है बकरी होती है बकरा बकरी जो होते हैं इनका गोश्त है, गोश आप खाते हैं चिकन होती है फिश होती है मछली वगैरह तो मुर्गी वगैरह तो इन सब जानवरों का आप गोश्त खाते हैं आप जो है काओ और आपके जो बफेलोस होती हैं गाय और भैंसे वगैरह उनका दूध पीते हैं और जो है एग्स आप जो है किसके खाते हैं चिकन जो होती हैं आपकी मुर्गियां जो होती हैं उनके आप अंडे वगैरह खा रहे होते हैं तो आ, एनिमल का यानी आपने अहमियत समझी कि एनिमल क्यों अहम होते हैं कि दे आर सोर्स ऑफ फूड अस कुछ एनिमल जो है हमारे लिए गज़ा का जरिया होते हैं सम एनिमल आर यूज फॉर वर्क कुछ जानवर जो है हमारे काम के लिए इस्तेमाल में आते हैं इनको हम अपने लिए यूजफुल वर्क या मुफीद काम जो होता है जो जिससे हमारे को फायदा हो ऐसे काम के लिए हम जानवरों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं सच एज फार्मिंग जैसे कि खेती बाड़ी वगैरह खेती बाड़ी वगैरह में आपने देखा होता है के जो है जमीन पे हल चलाने के लिए बैल वगैरह होते हैं या जो है कैमिल वगैरह होते हैं आपके ब्लग होते हैं बैल वगैरह ये सब जो है आपको जो है यानी हल जो होता है उसमें ये जानवर लगाए जाते हैं और इनसे जो है खेती बाड़ी की जाती है और कैरिंग पीपल और हैवी लोड जानवर जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाने एक, एक का जरिया भी होते हैं और जो भारी सामान होता है जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में आप शो को हो रहा है आपको कि आज मुख्तलि एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं और ये हैवी लोड या भारी सामान जो है ये जो है हमारे लिए उठा के एक जगह से दूसरी जगह जो है ये जो है मवेशी गाड़ी के जरिए लेके जा रहे हैं मवेशी गाड़ी को कार्ड कहा जाता है तो जो है ये जानवर जो होते हैं हमारे लिए जो है फार्मिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं हम हमारी सवारी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और भारी सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वी शुड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स हमें जो है जानवरों का ख्याल रखना चाहिए सही है जानवरों जानवर हमारा इतना मतलब ख्याल रख रहे हैं जानवर जो है हमारे जो कई तरह से हमारी मदद कर रहे हैं सरवाइव करने में हम जानवरों से कितने सारे फायदे ले रहे हैं तो हमें भी बदले में जानवरों का ख्याल रखना चाहिए उनको जो है जो खास तौर पे जो पेट्स होते हैं जिन जानवरों को हम जो है पालते हैं जो हमारे लिए जो है, है मतलब मुफीद और करामद होते हैं हमें जो है उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए उनका फॉर्डर या उनका चारा वगैरह जो होता है वो हमें उनको वक्त पे देना चाहिए पानी का ख्याल रखना चाहिए जानवरों की सफाई सुथराई का हमें ख्याल रखना चाहिए तो इस तरह से जो है जानवर जो होते हैं ये हमारे लंबे अरसे तक जो है हम इनसे जो है फायदे हासिल कर सकते हैं वेयर डू एनिमल्स लिव जानवर कहाँ रहते हैं सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड कुछ जानवर जमीन पर रहते हैं सम इंट्रीज कुछ दरख्तों पर रहते हैं और जो है जैसे आप एलिफेंट आप देख रहे हैं ये जमीन पर है ये आप मंकी आप देख रहे हैं ये दरख्त पे मौजूद है एंड मैनी लिव इन वॉटर और कई बहुत सारे जानवर पानी में रहते हैं जैसे ये आपका टर्टल हो गया फिश हो गई या आपका क्रोकोडाइल हो गया या हिप्पो हो गया ये सब जो है कहाँ रहते हैं पानी में रहते हैं तो जानवर जो होते हैं वो लैंड में भी रहते हैं खुश्की में दरख्तों में और जो है ये पानी में भी रहते हैं इन अ गार्डन देयर आर आर मैनी स्मॉल एनिमल्स गार्डन जो होता है बाग जो होता है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जानवर होते हैं दे लिव ऑन द ग्राउंड ये जो है ग्राउंड में भी रहते हैं जैसे गार्डन स्नेल वगैरह होता है वो आपने देखा होता है कि आपके बाग में जो मतलब वहां पे खाद या मिट्टी होती है उसमें पाए जाते हैं और इन ट्रीज दरख्तों में भी पाए जाते हैं एंड अदर प्लांट या दूसरे पौधों में जानवर जो होते हैं मतलब वो दरख्तों में या छोटे मोटे दरख्त या पौधे होते हैं वहां पे भी मतलब जो है अपनी रिहाइश या अपना हैबिटेट जिसको आप कहते हैं मस्कन या ठिकाना वो बनाते हैं सम एनिमल्स आर टैम एंड कैन लिव विद अस कुछ जानवर जो हैं टैम होते हैं यानी पालतू होते हैं हमारे सिधाए हुए होते हैं हमारे ट्रेनिंग दिए हुए होते हैं और वो जो है हमारे साथ रहते हैं और हमारे लिए काम करते हैं ये जो है आपके पालतू जानवर होते हैं टैम होते हैं दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स और ऐसे जानवर जो होते हैं वो आपके घरेलू जानवर कहलाते हैं जिनको आपने अपने घरों तक में रखा हुआ होता है जैसे आप, आप जो है अपने घरों में मुर्गियां भी पाल सकते हैं बकरियां वगैरह जो होती हैं वो भी आप आसानी से पाल सकते हैं तो और बाकी जो है बाद लोग जो है घोड़े वगैरह अपने पालते हैं कोई डोंकी वगैरह जो है पाल होते हैं तो वो जानवर जो मतलब इंसानों से मानूस हो जाते हैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और जो है इंसानों के साथ रहते हैं उनके मदद भी करते हैं उनके काम काज में उनकी मदद करवाते हैं तो ऐसे जो आपके एनिमल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स घरेलू जानवर जो है वो कहलाते हैं इंसेक्ट्स इंसेक्ट आर ऑल्सो एनिमल्स कीड़े मकौड़े जो होते हैं ये भी आपके एनिमल्स होते हैं जानवर होते हैं उन्हीं की ये काइंड होती है इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग इंसेक्ट जो होते हैं बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं जानदार होते हैं ऑल इंसेट है तमाम कीड़े मकौड़े जो होते हैं उनकी छह टांगे होती हैं इंसेक्ट विद विंग्स कैन फ्लाई इंसेक्ट जो होते हैं उनके विंग्स भी होते हैं पर होते हैं उड़ने वाले जिनसे परिंदे उड़ते हैं सॉरी आपके अः जो है कीड़े मकौड़े आपके उड़ते हैं इंसेक्ट विद्स डू नॉट फ्लाई लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके विंग्स नहीं होते पर नहीं होते तो वो नहीं उड़ सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो है मॉस्क्यूटो uh, हो गया या आपकी जो है फ्लाई uh, होती है हाउस फ्लाई या हनी बी शहद की मक्खी वगैरह बटरफ्लाई वगैरह तो ये सब जो है आपके जो है उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं क्योंकि इनके क्या होते हैं विंग्स होते हैं जबकि जो है आपके कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपका स्पाइडर हो गई मकड़ी वगैरह हो गई वो उसको उड़ते हुए तो नहीं आपने देखा है ना तो ये जो है आपके जो है क्या होते हैं ये इंसेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिनमें यानी विंग्स या पर नहीं होते हैं इनके जो है आ, मुंह जो होता है उसमें स्पेशल फीलर्स होते हैं जिनको एंटीना कहा जाता है ये इनके सेंस ऑर्गन का काम अंजाम देते हैं जैसे आप देखने देखें सबकी जो है दो जो है मुंछे आपको दिखाई दे रही है तो ये जो है आपके फीलर्स होते हैं ये इनको जो है यानी एंटीना भी कहा जाता है और ये एनिमल्स ये आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं ये उनका क्या होते हैं ये उनका सेंस ऑर्गन होते हैं इसके जरिए यानी उनको मतलब अपने माहौल में जो उनको सरवाइव करना होता है अपने माहौल के मैसेजेस वगैरह को वो रिसीव कर सकते हैं फिश मछली फिश आर ऑल्सो एनिमल्स मछलियाँ जो हैं ये भी स्पेशल एनिमल्स हैं अल्लाह ताला के की पैदा की भी एक खास मतलब आपकी मखलूक हैं जानदार हैं एनिमल्स हैं सम फिश लिव इन फ्रेश वाटर लेग्स एंड रिवर्स कुछ मछलियाँ जो होती हैं ताजा पानी जो होते हैं उनके जखायर जो होते हैं जैसे झीले हो गई या दरिया हो गए वहां रहती हैं इनको मीठे पानी की मछली कहा जाता है सम फिश लिव इन सॉल्टी सी वाटर कुछ मछलियाँ जो होती हैं अः सम, समंदर के नमकीन या नमक वाले पानी में पाई जाती हैं ये आपकी जो है मरीन फिशेस कहलाती हैं ये मतलब आपकी जो है यानी समंदर में पाए जाने वाली मछलियां जो है कहलाती हैं। फिश है मछलियों के फिंस होते हैं साइड में यानी जो है एक, एक आउट ग्रोथ होती है जिसको कहा जाता है जो कि इनकी पानी में स्विमिंग में तैरने में मदद करते हैं स्केल्स होते हैं ज्यादातर मछलियां जो होती हैं उनकी बॉडी में छिलके भी होते हैं लेकिन कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो कि विदाउट स्केल भी होती हैं गिल्स होते हैं मछली क्योंकि पानी में पाई जाती है तो उसमें लंग्स नहीं होते हैं गिल्स पाए जाते हैं गिल्स जो होते हैं ये वाटर में ये मतलब आपका ब्रीथिंग या रिस्पाइरेशन का जो काम होता है ये जो है आपका वाटर में गिल्स के जरिए करती हैं। एंड टेल और मछली की दुमबी होती है फिश ब्रेथ थ्रो देयर गिल्स मछली जो होती है अपने गिल्स से सांस लेती है दे हैव अ स्केलेटन मछली का स्केलेटन भी होता है ढांचा भी होता है फिश जो होती है वर्टिब्रेट होती है वर्टिब्रेट जो होते हैं ना जिनमें बेटा बैकबोन या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जो इंसानों में भी आपने देखा है आपकी कमर में होती है ना अंदर की तरफ तो ये जो है आपकी क्या होती है बैकबोन होती है आपकी बॉडी में भी स्केलेटन होता है तो मछली जो होती है इसकी बॉडी में भी स्केलेटन होता है इसके अंदर ढांचा यानी जो होता है हड्डियों का वो जो है पिंजर सा वो इसके अंदर मौजूद होता है फूड अब हम बात कर रहे हैं कि एनिमल्स की फूड क्या होती है जानवर क्या क्या खाना पसंद करते हैं जानवरों को भी गजा की जरूरत होती है वाटर की जरूरत होती है पानी की क्लीन एयर यानी साफ हवा एंड अ सेफ प्लेस और जो है महफूज जगह रहने के लिए सम एनिमल्स ओनली ईट प्लांट्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं जैसे आपकी काओ हो गई हॉर्सेस हो गए, गए या गोट्स हो गई ये जो है लीफ और ग्रास वगैरह खाते हैं गाय हो गए घोड़े हो गए बकरियां वगैरह हो गई बकरे वगैरह ये सब हरबी बोर्ड होते हैं ये जो है पौ, यानी पौधे खाने वाले होते हैं ये गोश्त नहीं खाते हैं सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स कुछ जानवर दूसरे जानवरों का गोश्त खाना पसंद करते हैं ये क्या ये कौन होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग्स हो गया आपका लॉइन हो गया टाइगर वगैरह ये सब जो है आपका जो है फ्लैश ईटर या मीट खाने वाले गोश्त खाने वाले होते हैं इन्हें कार्नी वोड्स कहा जाता है जो जानवर गोश्त खाता है ऐसा एनिमल जो गोश्त पे गुजारा करे सिर्फ दूसरे जानवरों का गोश्त खाए तो वो आपका कार्नी वोर्ड्स होता है तो ये तो हम बात कर रहे थे कि जो है जानवर जो होते हैं वो मुख्तलिफाम की फूड इस्तेमाल करते हैं कुछ जानवर जो होते हैं सिर्फ पौधों पे या पत्तों पे या घास वगैरह पे जिंदा होते हैं चारे पे जिंदा होते हैं और कुछ जानवर जो है दूसरे जानवरों के गोश के ऊपर जो है वो जिंदा होते हैं वो खा के गुजारा करते हैं होम्स एनिमल मेक दियर ओन होम्स जानवर जो होते हैं वो अपने घर खुद बनाते हैं दे फील सेफ इन their होम जानवर जो होते हैं वो अपने घरों में महफूज जो है अपने आप को मतलब जो है रखते हैं जैसे आपने देखा होगा चूहा जो होता है वो बिल बना के रहता है घोड़ा जो होता है उसका स्टबल होता है सही है और जो है गाय भैंसे वगैरह जो होती हैं ये भी बाड़े में पाली जाती हैं तो ये इनके जो है रहने की जगह होती हैं परिंदे जो होते हैं वो जो है दरख्तों पर अपने घोंसले वगैरह होते हैं नेस्ट वगैरह जो होते हैं वो बनाते हैं और लेकिन जो है जो मतलब आप जो है पेट्स पालते हैं जिनको आप अपने घरों में पाल रहे होते हैं जानवरों को तो उनके घर जो उनके होते हैं वो फिर हम लोग खुद बनाते हैं क्योंकि हमने उनको जो है कैद रखा हुआ होता है उनको हमने पाला होता है और वो हमसे हिले हुए होते हैं जैसे बर्ड्स आपके केच जो होता है पिंजरा उसमें आप रखते हैं लेकिन आजाद परिंदे जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं वो नेस्ट या घोंसले जो होते हैं वो वहां पे अपना घर बनाते हैं तो जो है जानवर जो होते हैं उनको यानी जैसे इंसानों को जो है जिंदा रहने के लिए तमाम जरूरियात ज़िंदगी चाहिए होते हैं ऐसे ही जानवरों को भी जिंदा रहने के लिए गज़ा पानी हवा और रहने के लिए शेल्टर ठिकाना या घर ये सब चीज़ें जो है जानवरों को रिक्वायर्ड होती हैं इसी के साथ ही जो है आज की वीडियो जो आपको जो है जिसमें ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है जो आपका एनिमल्स और जो है वो किस तरह से मतलब सरवाइव करते हैं अपने माहौल में ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको जो है एक्सप्लेन की गई है उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज